लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। हल्द्वानी के समस्त नागरिकों एवं नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण की मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से प्लांट यहां पर चालू हो गया। हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 28 MLD क्षमता का यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता की दृष्टि से मैं कहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र का प्रमुख शहर और हल्द्वानी एक तरह से पूरे पहाड़ को जाने वाला हमारा द्वार का अब तक का ये सबसे बड़ा प्लांट है। भाइयों बहनों, नगरीय क्षेत्रों में घरेलू सीवर के खुले में बहने के कारण से इसका जो जमीन के अंदर का पानी है उस पानी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण दूषित पर्यावरण के जितने भी मापदंड हैं उसमें तेजी से वृद्धि होती है। वो तेजी से बढ़ता है, किसी न किसी रूप में साइकिल के रूप में उस सब का प्रभाव आम जन सामान्य पर पड़ता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। जैसा भाई डॉक्टर जोगेंद्र पाल रोतेला जी ने यहाँ से बताया कि केंद्र सरकार की जो अमृत योजना है उसके अंतर्गत इस प्लांट के लोकार्पण से जितने प्रकार के भी प्रभाव, खराब प्रभाव जो पड़ने वाले हैं, उन सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे होने वाली, उन सभी समस्याओं का इससे निवारण होगा। और इसके द्वारा जो खुले में प्रभावित हो रहे हैं, जो सीवर है उसका शोधन कर इसे पुनः उपयोग के अनुकूल बनाया जाएगा एवं सीवेज शोधन संयंत्रों से प्राप्त होने वाले जो जैविक खाद को स्थानीय किसानों द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकेगा। अभी हम लोग जब इसका ऊपर से अवलोकन कर रहे थे, जब देख रहे थे, तो इसमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट के प्लांट लगे हुए हैं और अंत में सारी गंदगी को अलग अलग करते हुए यहाँ पर बैक्टीरिया भी है, अन्य प्रकार का शोधन यंत्र भी लगाए गए हैं। और अंत में जो गिलास में मैंने पानी देखा तो सचमुच यह प्लांट एक मील का पत्थर हल्द्वानी के और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए होने वाला है। इतना साफ स्वच्छ पानी अंत में निकल रहा है। आप कल्पना करिए कि ये सीवर जब इधर उधर फैलता था उसके कारण से अंत में सभी जाकर कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में एक बड़ी गंदगी के रूप में ये गोला नदी में या जहां भी इसको रास्ता मिलता वहां जाकर समाहित हो जाता, तो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हर क्षेत्र में होता। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं हमारा प्रदेश जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, हमारी सरकार के राज्य के प्राकृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए हम लोग आधुनिक विकास की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जितनी भी नदियां हैं, हमारी नदियां हैं, आसपास के छोटे नाले हैं, उन नालों में जो गंदगी प्रवाहित हो रही है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, उसको उनको स्वच्छ रखा जाए, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और यह भी हमारा सौभाग्य है कि माँ गंगा सहित विभिन्न प्राचीन नदियों के उद्गम स्थल अगर किसी राज्य में है तो हमारे राज्य में, और हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में माँ गंगा सहित सभी नदियों की निर्मलता को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि राज्य में गंगा की मुख्य धारा जो बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग
एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक चिन्हित की गई है और इसमें 15 प्रमुख शहर बीच में पड़ते हैं। इसमें गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों में, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सभी दूषित नालों को, जितने भी सभी दूषित नाले आते हैं, उन सभी दूषित नालों को टैप करके दूषित जल प्रभाव को गंगा में प्रभावित होने से रोका गया। और ऐसे 132 नाले, मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 132 नाले, उन सभी को सीवरेज प्लांट में लाया गया और उन सभी के शोधन का कार्य वहां पर प्रारंभ हो रहा है। अभी 11 और सीवरेज प्लांट जल्दी ही वह भी निर्माण की प्रक्रिया में है, कुछ पर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उस पर भी अभी हम लोग जल्दी ही काम करने वाले हैं। और इनका सीवरेज का ट्रीटमेंट करने का जो परिणाम है वो कितना दूरगामी है, जिस माँ गंगा को हम सब कहते हैं कि माँ गंगा, हम मानते आए हैं कि माँ गंगा जहाँ जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, लोग आचमन करते हैं, और गंगा का जल जिस श्रद्धा के साथ पूरे देश और दुनिया के लोग अपने साथ लेकर जाते हैं, उस गंगा का स्वच्छ और निर्मल होना कितना जरूरी है, जो काम आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और हमने भी जो उत्तराखंड के अंदर प्रयास किया है, उस प्रयास का परिणाम है कि ऋषिकेश तक अब माँ गंगा का जल ए श्रेणी का हो गया है। ए श्रेणी का यानी कि उसका आचमन भी किया जा सकता है, उसको पीने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक और जहां उत्तराखंड की सीमा समाप्त होती है, उत्तराखंड की सीमा समाप्त होने तक वह बी श्रेणी का है, लेकिन हमने संकल्प लिया है, हमने संकल्प लिया है कि हम माँ गंगा के जल को उत्तराखंड की सीमा तक ए श्रेणी का भेजेंगे, ए श्रेणी का बनाकर ही आगे बढ़ाएंगे, देश को समर्पित करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।